श्रीकाल दोस्तों, मैं जसविंदर कौर ते अज आपां आए हां पिंड बटूआ विखे जिथे कि एक गाने दा शूट हो रहा है। हाँ जी, आपां गलबात करदे हां उहनां नाल जी जो अपने स्टूडियो दे विच आए ने। हाँ जी सर, तुहाडा नाम जी? सब तो पहला साडे देख रहे सारे श्रोतियां नूं और साडी सारी टीम नूं और जसविंदर कौर जी प्यार भरी सति श्री अकाल जी। मेरा नाम शमशेर खान है जी, खान परिवार दे विचों धंदीवाल जो दूजा राइटर धंदीवाल पिंड नाम नायब सिंह धंदीवाल। अज दोने गीतां दी शूटिंग मुकम्मल होगी जेडे कि रिलीज साढ़े फनकार टीवी वाले ने करने ने, उन्होंने रिलीज करने ने, उन्होंने शूट किए ने। एक गाने का नाम असी डिमांडा रखे जी, बहुत वधिया गीत है, बहुत वधिया लिखा है, इसलिए बाकी परमात्मा पे फल। सर, इस सॉन्ग नूं रिलीज होण दे विच घट्टो घट्ट किन्ना समां लग जाऊ? देखो जी, इहदा कंपनी ते निर्भर है, क्योंकि कंपनी नूं कई बार कम करके भी बेफिट लगता हों, दोबारा कम करना शुरू कर देने उस गाने का। मेरा ख्याल भी 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे तकरीबन। हाँ जी। तो सर, किन्ना सॉन्ग कर चुके हो हुण तक लगभग? मैं हुण तक जी, मेरी एक एल्बम आई थी सब तो पहला किसी होर नाल यारी, उहदे विच मेरे 8 गीत सी, उदों मतलब कि कैसट हुंदी सी। उस तो बाद फिर डिस्क आई, उस तो बाद दे विच मेरी फोन कैसट आई, उहदे विच 2 कुड़ियां मनजिंदर संधू ते प्रीत कौर ने मेरे नाल ड्यूटो गाए, 4 उहने गाए, 4 एक कुड़ी ने गाए, सारे ही गीतां दी सी एल्बम बनवाई। उदों यूट्यूब दा आह अपना सोशल मीडिया दा नहीं रवाज सी, इस करके ज़्यादा प्रफुल्लत नहीं हुई, पर उहदे नाल मेरा नाम इलाके दे विच जरूर बन गया। सर, किन्ना का चिर तुहानूं हो चुके इस लाइन? मैनू इस लाइन दे विच भी मैरिज तो बाद तकरीबन 10-11 मैनू ये शौक पिया, उदी फिर कमाई का जरिया भी मेरा संगीत ही बनया। हाँ जी, हो गए तकरीबन 20 साल। सर, कुछ अपने पुरानियां यादा या कोई शूट के दौरान कोई याद तो शेयर करना चाहोगे तो दस्सना? हाँ जी, शूट के दौरान तो बस तुम पता ही है भी उदों मुश्किल ज़्यादा आउंदियां। एक बार साडी गड्डी दा पेट्रोल अपना डीजल मुक गया, उदों मेरा गाना चलता सी क्यों पाछे पासे आवे सै, क्यों सरम रता ना खावे सै, आँख मारे बदमाश तां मैं सब कुछ खा लूँ, मैं हरियाणी की छोरी सू हारे बंब बुला दूंगी। वो गीत असं शूट करके आए, काफ़ी नेरा हो गया, रस्ते सारा तेल मुक गया, फिर असं किसी का बाहर खड़काया, उन्होंने तो 5 लीटर तेल गड्डी के पा के भी फिर असं घर। अपने घर के कौन कौन? मेरे घर के जी मेरे 2 बेटे ने, 2 बेटियां ने। मैं मेरी बेटियां दी भी मैरिज हो चुकी है, बेटे दी भी मैरिज हो गई, ते एक छोटा बेटा ये मतलब कि भी जिवें कहिंदे ने भी इहदे भी लत्त 'च रस्सा पाया होया, जानी मंगिया होया भी, एंगेजमेंट हो गई हुई है, इसलिए असीं हुण इस टाइम 3 जाने, क्योंकि मेरा वड्डा बेटा जिहड़ा मेरा बेटा मेरा पोता ते मेरी नूंह राणी वह पातड़ी ने, क्योंकि उन्हां दी उत्थे बैंक दे विच ड्यूटी आ मुलाक। सिंगिंग का कीड़ा जी, बस असी स्कूल दे विच बार सभा जो मैं प्राइमरी का सफर तय करके 6वीं क्लास दे विच कांजला स्कूल दे विच गया, ते उत्थे एक मास्टर सीगा, उहदा नाम सीगा काका राम कच्चा नौ पक्का नौ दा कुलदीप शर्मा जी, ते उहनां नूं इह चीज़ां नाल बड़ा प्यार सी। उहनां ने मतलब कि बार सभा लगदी होंदी बार सभा दे विच बच्चों तो गवाउंदे, उत्थे मैनू भी फिर मैं भी गा दिंदा सीगा, हौली 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 रुझान बन गया, इहने गाउणा शुरू कीता। कुछ मेरी माँ बहुत वधिया आर्टिस्ट थे, वो बाहर तो नहीं गाउंदे, घर दे आर्टिस्ट थे, घर उन्हां नूं सुन सुन के असीं सानू भी बस ये शौक पै गया। ते सर, दस्सो ये भी जानना चाहणगे तुहाडे उस्ताद कौन सी? हाँ जी, उस्ताद तां कहिंदे ने भी गुरु बिना गत नहीं, साह बिना पत नहीं, उस्ताद धारना बड़ा जरूरी हुंदा। मेरे उस्ताद, मैं बहुत गर्व दे नाल कह सकदा, मेरे उस्ताद
ਗਿੱਲ ਰਣਸਿੰਘਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਥੰਮ ਉਸਤਾਦ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਥੰਮ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੈਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਤ ਕਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਝੀਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਏਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਰ ਤਾਂ ਸੁਖਸੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ